जी नमस्कार जी, जी नमस्कार। हम जो है आज आपके खेत पर आए यमुनोत्री एग्रो से, जिसका आपका ऑफिस है बुलंदशहर में। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताए कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम अमित कुमार चौहान है जी, ग्राम जानेगर और तहसील धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जी रहने वाले हैं। तो ये आपने जो पपीते के पौधे लगाए हुए हैं, ये कितने पौधे हैं? ये 400 पेड़ हैं। 400 पौधा ये लगाया कब था आपने? 17 मई। 17 मई को, यानी कि लगभग आपका सवा महीना डेढ़ महीने के आसपास का पौधा हो गया। लगभग इतना का हो गया जी। तो अपने बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया कि कंपनी से आपका कैसे कैसे कॉन्टैक्ट हुआ, कैसे आप कंपनी से हमारी जुड़े, कैसी सर्विस आपको मिल रही है? सर्विस तो इसमें सही है, इसमें हमारा कॉन्टैक्ट परिचित रहा सुमित कुमार जी, तो इनसे जो है हमारी बातचीत होती रहती है इसमें जी। तो उसके बाद मैंने इनसे संपर्क करा, संपर्क करने जानकारी ली इनसे, इच्छा हमारी थी करने की, फिर हमने राय ली तो हमें कुछ उचित लगा इसमें करने की, हाँ कि चलो इसमें खेती करते हैं। तो उसका हमने इसमें खेती करी, इसमें लगभग दो बीघे के आसपास हमने इसमें भरा पेड़। ये तो आपकी ऐसी मतलब कि पपीते की राय कि आपने क्यों चुनी कि भाई आप पपीता ही आपको लगाना चाहिए? पपीता सही है एक हमारे हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़मीन जो है जहाँ हमने लगाया है वो जी, तो इतनी मतलब बालू और दोमट मिट्टी है ये, इसमें जो है पपीते की खेती के हिसाब से उचित मिट्टी है, क्योंकि ना तो इसमें गन्ना होता जी, गन्ने के हिसाब से हल्की ज़मीन है, तो ये इसमें कहाँ पट पड़ी रहा बैठी हो। मैं सोचा कि इसमें जो है खाली पड़ी रहा है, इससे बढ़िया इसमें कुछ इस तरीके की खेती करें जो इस ज़मीन के हिसाब से ही सही रहे, उस पपीते की या उस खेती के हिसाब से सही रहे ज़मीन। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जिस ज़मीन में आपका जो बलुई मिट्टी है, गन्ना इसमें सर्वोत्तम आपका नहीं हो रहा था, गन्ना ना, लेकिन पपीते का आपने चयन किया और पपीते की खेती आपकी अच्छे से हो रही है। हाँ जी। तो जैसा जैसे आपने कंपनी में बात की स्टार्टिंग बेस में, तो जैसे स्टार्टिंग में आपने कंपनी में बात की, जैसा आपको बताया गया था कि भाई हम आपको इतने दिन का पौधा देंगे, इतने पौधे की लंबाई होगी, पौधा लगने के बाद ऐसे ग्रोथ करेगा, तो क्या वे सभी चीज़ें आपको सच होती दिखाई दे रही है? हाँ सही है, उचित है। तो कंपनी से जैसे कि आपने बताया कि मेरा परिचय हुआ था सुमित कुमार गहलोत जी से जी, तो इसके लिए आपने कंपनी में ऑर्डर कैसे लगाया पौधों का? भाई कोई स्टार्टिंग में टोकन मनी दिया था, नहीं दिया था? ना वो उसमें दिया था ये, ना जो है कंपनी के खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर करे थे जी। तो उसके लिए आप ऑफिस गए थे, आप ऑनलाइन कराया था आपने? ऑनलाइन ट्रांसफर करे थे उन्होंने, सुमित जी ने जो है ना वो बार कोड दे दिया था जी, फोन पे गूगल पे जो भी चलाते हैं जी, उसी हिसाब से दोनों के दे दिए थे हमने, जो उसी बार कोड पे वो पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। यह था कि हाँ तुम्हारा जो है अच्छा इतना जो है फंड, यानी कि जब आपने अपना बुकिंग कराया, पैसा ट्रांसफर कराया, तो कंपनी की तरफ से आपको बिल मिल गया था? हाँ बिल मिल गया था। तो ये तो था आपका बुकिंग की बात। बाकी कुछ किसान बोलते हैं कि भाई हम बुकिंग तो करा लेते हैं, लेकिन जो फाइनल पेमेंट होता है उसमें कुछ किसानों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। ना ऐसे कोई ना है, कोई दिक्कत ना है। तो आपने अपना फाइनल पेमेंट कब कराया था? फाइनल पेमेंट तो हमने जैसे पौधे उतरे तो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, बाकी तो हमने पहले कर दिए थे सारे। अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़े पैसे तो यानी कि वे भी आपने ऑनलाइन ही करा दिए थे? सब ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए थे, तो गाड़ी जो आई थी उतारने ना गाड़ी वालों को बना दिए थे जी, और हमने उनके खाते में जो है ट्रांसफर कर दिए थे सारे। ठीक है। तो जैसे आप कंपनी से हमारी जुड़े हो यमुनोत्री एग्रो से, आपको जिस प्रकार से सर्विस बताई गई थी कि भाई हमारी डॉक्टर टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके आवश्यकता अनुसार आपके खेत पे जाके विजिट भी करेगी, तो क्या ये सब चीज़ें सही है? हाँ सही है। जैसे आप कंपनी में कॉल करते हो, बातें आपसे होती है नहीं होती है? बातें भी होती हैं समय समय, जैसे हमको लगता है कि इसमें कोई जैसे रोग आ रहा है तो उसमें फोटो खींच के भेज देते हैं जी व्हाट्सएप पे, उससे भी जांच उस करके उसमें बता देते हैं कि दवाई इसमें ये रोग आ रहा है। तो फोटो भेजने के आपको साथ के साथ ही रिप्लाई मिल जाता है कोई, या कुछ दिन बाद, जैसे कि आपने आज मैसेज किया कल रिप्लाई मिल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं? साथ हाथ तो आ जाए, 2-4 मिनट में। अच्छा, यानी कि आपने जैसे अभी मैसेज किया कोई फोटो का रोग था वो आपने भेजा, तो जो डॉक्टर टीम है वो देखने के बाद साथ ही साथ 2 मिनट में 5 मिनट में आपका रिप्लाई कर देते हैं? हाँ। तो क्या उनके रिप्लाई से आप संतुष्ट हो जाते हो? हाँ संतुष्ट है। बातचीत आपकी बाकी कंपनी में होती रहती है? बाकी कंटिन्यू होती रहती है, जैसे जैसे बीच में हमें कुछ लगता है कि हाँ इसमें भी इस तरीके इनसे बात पूछनी चाहिए जी, तो उसी तरीके से हमसे बात करके
और हमें जो हमसे बातचीत होती रहती है, तो बताते रहते हैं। आपने बताया कि टोटल पौधा आपने लगभग 400 लगाया था। हाँ, 400 लगा। तो लगाने के बाद इसमें मोटिलिटी कितनी गई पौधों में आपके? ऐसी 20-30 के आसपास गई होगी। उसका कोई मुख्य कारण रहा भाई, जैसे कि पौधे के तने में पानी लग गया हो या थोड़ी देख रेख नहीं कर पाई, कुछ ऐसा? थोड़ा बहुत तो ऐसा लगी जाए, जैसे लगाते हैं तो थोड़ा पानी चलाई जा, उससे आ जाते हैं। नया नया वो था हमारा जी, इतना अनुभव भी नहीं था। हाई स्टार्टिंग बेस में थोड़ा मोटिलिटी चले जाता है। अब जैसे जैसा अनुभव होगा उसी हिसाब से, हाँ आगे वो वही उसी हिसाब से करेंगे कि हमारा जो है ज्यादा नुकसान ना हो, पेड़ ना सूख के जाए। जी बिल्कुल। अभी जो है 15-20-25 पेड़ सूख गए थे, तो उनसे कुछ ना हो रहा। यानी कि आपने जो पौधा बुक कराया था उसी में कुछ पौधा पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डर करा लिया था कि भाई 5-10-20 पौधा जो भी मोटिलिटी जाए हम साथ के साथ रिप्लेसमेंट कर ले, खेत हमारा खाली ना रहे। तो उन्होंने भेज दिया, तो वही पौधा हमने उसकी जगह लगा दिया। जी, तो ये पौधा आपने लगाया किस विधि से था? कीचड़ विधि से लगाया था, साधारण तरीके से लगाया था? कीचड़ विधि से लगाया था। कीचड़ विधि से, यानी कि झुका के लगाया था आपने पौधे को? ना, कुछ पौधे झुका के लगाए थे, कुछ हमने सीधे खड़े कर दिए। तो दोनों पौधे में आपको क्या फर्क आता है? तना किस पौधे का सही चल रहा है? झुका के लगाया था उस पौधे का तना सही चल रहा है, जो साधारण तरीके से लगाया था उसका? मुझे तो दोनों के बराबर लग रहे हैं। अच्छा, दोनों के बराबर लग रहे हैं। ऐसा कोई ना कि झुका का जो है वो मोटा हो रहा है, सीधे खड़े थे पतले हो रहे। जी, दोनों के लगभग बराबर ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, तो कुछ किसानों का सवाल रहता है कि भाई सबके मन में एक भय रहता है कि हम YouTube पे, Facebook पे हमने वीडियो देखा, अब वीडियो देखने के बाद कंपनी से जुटना चाहिए नहीं जुटना चाहिए, मतलब कि मन में एक शंका रहती है कि भाई कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि पहले भी शायद काफी किसानों के साथ हो चुका होता है। हो चुका होता है, वो अदर कंपनी होंगी जो धोखा कर रही होंगी, लेकिन यमुनोत्री एग्रो में ऐसी कोई बात नहीं है। इसने तो जैसा जैसा बताया है वैसा जैसा है। तो इसके विषय में फिर आप अपने किसानों को अपनी तरफ से क्या राय देंगे, कंपनी से जुड़ने का आपका कैसा अनुभव रहा, बाकी किसानों को जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़े तो किस चीज़ का समाधान रखे? जुड़ना चाहिए। अब जो आदमी इसे कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहता है, जैसे पपीते की खेती करना चाहता है, नींबू खेती करना चाहता है, जुड़ा है इनसे, अच्छी कंपनी है जी। और इसमें जो है इन्होंने बताया है कि अगर तुम्हारी जो है फसल हमें देना चाहते हो इसकी, तो हम भी अपने यहाँ से और पहले यहाँ पेमेंट करके जी, और तुम्हारे खेत से जो है सारी फसल तुम्हारी यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, तो जो कंपनी ने आपसे वादा किया हुआ है, आपके साथ बोला है आपको कि भाई जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो हम खेत से खरीद के लेके आएंगे, तो इसका कोई प्रूफ भी आपको दिया? हाँ, वो कागज दिए थे उन्होंने, एग्रीमेंट हुआ था आपके साथ, यानी कि। तो ये एग्रीमेंट आपको मिला कब था? बाद में मिला था, जब आपने बुकिंग कराया था तभी साथ के साथ मिल गया था? कराया था हमने तभी आ गए थे हमारे पास जी। ठीक है, धन्यवाद सर।